बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, आज की इस वीडियो में हमें IAS 38 इंटेंजिबल एसेट से पर्टेनिंग एक आईकेप के पास पेपर का क्वेश्चन देखना है। हमारे पास ऑटम 2018 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 4 है एप्पल लिमिटेड के नाम से। तो इस सवाल को रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। सवाल को रीड करने से पहले मैं सवाल की रिक्वायरमेंट रीड करता हूँ। तो रिक्वायरमेंट में हमसे कहता है कि प्रिपेयर अ नोट ऑन इंटेंजिबल फॉर इंक्लूजन इन द AL कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड। हमें इंटेंजिबल एसेट का नोट बनाना है। 30 जून 2018 हमारा ईयर एंड है। अब सवाल की इंफॉर्मेशन रीड करता हूं। तो एप्पल लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू ग्रुप इंटेंजिबल्स। एज ऑन 30 जून 2017 यानी कि साल के पहले दिन रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ AL लाइसेंस एंड रिलेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस वर 450 मिलियन एंड 330 मिलियन रिस्पेक्टिवली। कहते हैं साल के शुरू में हमारे पास एक लाइसेंस है जिसकी रिवैल्यूड अमाउंट 450 और रिवैल्यूएशन सरप्लस 30 मिलियन है। पॉइंट नंबर टू में कहता है कि ऑन 1 जुलाई 2017 अगेन साल के पहले दिन कंपनी एक्वायर्ड इंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ मैंगो लिमिटेड फॉर ₹1950। फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट अपेयरिंग इन द ML बुक्स ऑन एक्विजिशन डेट आर एस फॉलो। हमने ये जो मैंगो लिमिटेड की इंटायर शेयर होल्डिंग एक्वायर की 1950 मिलियन में, मैंगो लिमिटेड के जो नेट एसेट्स हैं उसमें सॉफ्टवेयर 200 मिलियन यानी कि 100 मिलियन के दो सॉफ्टवेयर हैं, बाकी नेट एसेट्स 1545 के। इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ML फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। टिल एक्विजिशन डेट ML हैड इनकर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 80 मिलियन ऑन द प्रोडक्ट ABC। ML हैड नॉट रिकॉग्नाइज दिस एज एन एसेट बिकॉज क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल वॉज मेट ऑन 1 जुलाई 2017। ऑन दिस डेट AL एस्टिमेटेड दैट फेयर वैल्यू ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द ABC वॉज 95 मिलियन। यानी जिस वक्त आपने इस मैंगो लिमिटेड को एक्वायर किया उस वक्त तक उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 80 का खर्चा किया था, जिसको एसेट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मैंगो लिमिटेड के हाथ में रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा था। 1 जुलाई 2017 पे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो गया। आपने जब इसे एक्वायर किया तो इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फेयर वैल्यू कितनी है? 95 मिलियन। हमें मालूम है कि अगर हम बिजनेस कॉम्बिनेशन में किसी सब्सिडी को एक्वायर कर रहे हैं तो सब्सिडी के सारे एसेट्स इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स को फेयर वैल्यू पे कैपिटलाइज कर देते हैं। तो हम इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को 95 की फेयर वैल्यू पे कैपिटलाइज करेंगे। और हमें क्या कहता है कि एक्विजिशन डेट पे ML की कस्टमर लिस्ट की फेयर वैल्यू आ रही है 20 मिलियन और इसके अलावा ML की एक कस्टमर लिस्ट है 20 मिलियन। तो हमारे पास एक लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कस्टमर लिस्ट, चार इंटेंजिबल्स हो गए यहां तक। पॉइंट नंबर 3 में कहता है ML incurred the following expenditure on this project from 1 July 2017 till ABC launching date, that is 1 May 2018. ये जो ML ने internally research and development की थी इसके ऊपर इसने further खर्चा किया 1 July 17 के बाद 1 May 18 तक। और यहां बताया था कि capitalization criteria 1 July 17 पे meet हो गया था। सर market research के ऊपर 5 million का खर्चा किया, market research का जो खर्चा है वो तो आपका expense out होना है। सर product design, कॉस्ट ऑफ पायलट प्लांट नॉट फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, रिफाइनमेंट ऑफ प्रोडक्ट बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, सर ट्रेनिंग ऑफ प्रोडक्शन स्टाफ, टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन एंड लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो अब ये सारा खर्चा जो हमने किया है इसमें से प्रोडक्ट डिजाइन कैपिटलाइज होगा, कॉस्ट ऑफ पायलट प्लांट कैपिटलाइज होगा, रिफाइनमेंट ऑफ प्रोडक्ट कैपिटलाइज होगा, ट्रेनिंग कॉस्ट भी हमारी एक्सपेंस आउट होगी और टेस्टिंग कॉस्ट भी हमारी कैपिटलाइज्ड होगी और प्रोडक्शन एंड लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट यानी कि कंप्लीट होने के बाद हम इसकी लॉन्चिंग और प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं तो ये भी हमारा इंटेंजिबल के तौर पे कैपिटलाइज नहीं होगा, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, इन्वेंटरी की कॉस्ट का पार्ट वगैरह बनेगा। फिर आगे कहता है ऑन 1 जुलाई 2017 साल के पहले दिन फेयर वैल्यू ऑफ AL ओन कस्टमर लिस्ट वॉज 35 मिलियन। एप्पल लिमिटेड की अपनी कस्टमर लिस्ट की फेयर वैल्यू 35 मिलियन है। हमें मालूम है कि हम इंटरनली जनरेटेड गुडविल, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट वगैरह को कैपिटलाइज नहीं करते। ML की हम कैपिटलाइज कस्टमर लिस्ट इसलिए कैपिटलाइज कर रहे हैं क्योंकि वो हम एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी अपनी कस्टमर लिस्ट है इसे हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। एज ऑन 1 जुलाई 2017 रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ ऑल इंटेंजिबल एक्सेप्ट गुडविल वॉज 10 ईयर्स। गुडविल के अलावा बाकी सारे इंटेंजिबल्स की यूजफुल लाइफ 10 साल है। और 31 मार्च 2018 साल के दरमियान में 31 मार्च 2018 पे ML sold one of the software for 110 मिलियन। ML के पास ये जो दो सॉफ्टवेयर थे 100 मिलियन के, इसमें से एक सॉफ्टवेयर हमने 31 मार्च 2018 को बेच दिया 110 मिलियन का। ग्रुप फॉलो द रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर लाइसेंस वेयर इज कॉस्ट मॉडल फॉर अदर इंटेंजिबल। सिर्फ लाइसेंस को हमने रिवैल्यूएशन मॉडल में रखना है, बाकी सारी चीजों को हमने कॉस्ट मॉडल में रखना है। एज ऑन 30 जून 2018 फेयर वैल्यू ऑफ द लाइसेंस वॉज 350 मिलियन एंड गुडविल ऑफ ML हैज बीन इंपेयर्ड बाय 20%। तुम्हारे पास कोई 4 से 5 इंटेंजिबल्स का डाटा इस सवाल के अंदर अवेलेबल है और एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है जिसमें हमें इंटेंजिबल एसेट्स का नोट बनाना है।
एक तरह इस सवाल को अच्छे से आप लोग खुद से रीड करें, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए सर सॉल्व करते हैं इस सवाल को। मैंने आपके सामने एप्पल लिमिटेड के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इंटेंजिबल एसेट का एक नोट का स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। इस स्ट्रक्चर में हमारे पास कॉस्ट की पूरी मूवमेंट आ रही है, एक्युमुलेटेड अमोर्टाइजेशन इंपेमेंट की मूवमेंट आ रही है, कैरिंग वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, कैरिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मॉडल, मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन और यूजफुल लाइफ की इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब एक एक इन्फॉर्मेशन को हम अकॉर्डिंगली रीड करते जाएंगे और अकॉर्डिंगली इस नोट में प्लॉट करते जाएंगे। सबसे पहले पॉइंट नंबर वन में हमें लाइसेंस के हवाले से बताया है कि 30 जून 2017 पे यानी कि पिछले साल के आखिरी दिन करंट ईयर के पहले दिन हमारे पास रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ लाइसेंस है 450 और रिवैल्यूएशन सरप्लस है 30। तो इसे अगर मैं प्लॉट करूं तो 450 का रिवैल्यूड अमाउंट और 30 का रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो हमारे पास लाइसेंस में 450 की ओपनिंग कॉस्ट आ जाएगी। रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट आपके पास इंटेंजिबल के नोट में नहीं आता, वो आपके रिवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट में प्रेजेंट होता है। जब लाइसेंस से पर्टेनिंग और क्या इन्फॉर्मेशन थी सर? लाइसेंस से पर्टेनिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास पॉइंट नंबर 7 में इन्होंने बताया था कि ग्रुप रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करती है लाइसेंस के लिए। 5 में बताया था कि सारे इंटेंजिबल की यूजफुल लाइफ 10 साल है सिवाय गुडविल के, और 30 जून 2018 पे हमारे पास लाइसेंस की फेयर वैल्यू है 350। तो अगर मैं इसे देखूं, हमारे पास 450 का लाइसेंस है, हम बात कर रहे हैं लाइसेंस के हवाले से। सर लाइसेंस की हमारे पास 1 जुलाई 2017 पे कैरिंग अमाउंट है 450 और इसके ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्डेड है 30 का। ये बात हमें पॉइंट नंबर 1 में दी हुई थी, ठीक है। अब जब आप 2018 में अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे तो अमोर्टाइजेशन चार्ज होगा 450 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 45। आपके पास इंटेंजिबल की इस लाइसेंस की 30 जून 18 पे कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 450 माइनस 45, ठीक है। जब आपने 10 साल पे अमोर्टाइज किया तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस भी रिटेन अर्निंग्स में जाएगा। कितना बैलेंस रिटेन अर्निंग में जाएगा सर? 30 डिवाइडेड बाय 10, 3 का बैलेंस रिटेन अर्निंग में जाएगा, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस रह जाएगा 27। अब आपसे कह रहा है पॉइंट नंबर 8 में कि लाइसेंस की जो फेयर वैल्यू है वो 350 है साल के आखिर दिन, यानी कि आपने 405 के लाइसेंस को 350 पे लाना है। अब जब मैंने लाइसेंस को डाउनवर्ड रिवैल्यू करके 30 जून 2018 पे फेयर वैल्यू पे लाना है, तो पहले जितना रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस है उसे मैं एलिमिनेट करूंगा, फर्दर रिवैल्यूएशन हमारी पीएनएल से रूट होगी, तो 27 रिवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट होगा, बाकी का जो भी इंपैक्ट है, तो 405 माइनस 350 माइनस 27 सर बाकी आ गया 28, 28 का इंपैक्ट हमारा पीएनएल से एडजस्ट होगा। तो अब इन नंबर्स को मैं प्लॉट करता हूं। सर हमारे पास एक्युमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर तो कुछ नहीं है, अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर आ रहा है 45, इम्पेमेंट डिलीशन कुछ नहीं है तो क्लोजिंग एक्युमुलेटेड अमोर्टाइजेशन आ गया 45। कॉस्ट की मूवमेंट में लाइसेंस में कोई एडिशन डिलीशन नहीं है, रिवैल्यूएशन हुई है, कुछ रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट हमें रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई से एडजस्ट करना है, कुछ रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट हमें पीएनएल से एडजस्ट करना है, 27 का इम्पैक्ट हम रिवैल्यूएशन सरप्लस से और 28 का इम्पैक्ट हम पीएनएल से एडजस्ट करेंगे, तो क्लोजिंग कॉस्ट आ जाएगी 450 माइनस 27 माइनस 28 395। 45 का एक्युमुलेटेड अमोर्टाइजेशन है तो हमारे पास लाइसेंस की ओपनिंग कैरिंग वैल्यू तो 450 ही बनेगा, क्योंकि 450 की कॉस्ट और ओपनिंग एक्युमुलेटेड अमोर्टाइजेशन जीरो, और क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू 395 माइनस 45 तो ये हमारे पास 350 बनेगा। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मॉडल है रिवैल्यूएशन मॉडल लाइसेंस के लिए, मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन स्ट्रेट लाइन और यूजफुल लाइफ इसकी है 10 ईयर्स। तो ये हमारा 5 में से एक इंटेंजिबल कंप्लीट हुआ, दैट इज लाइसेंस। एडजस्टमेंट नंबर 2 पर आते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 में इन्होंने सब्सिडी को एक्वायर किया है तो हमें सब्सिडी की गुडविल वगैरह कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहां देखिएगा सर, हम यहां वर्किंग करते हैं गुडविल से पर्टेनिंग। इस सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए जो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये हमें पॉइंट नंबर 2 में बताया कि हमने इसकी इंटायर शेयर होल्डिंग एक्वायर की है 1950 में, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 1950। इससे हम लेस करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, सब्सिडी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू,
सब्सिडी के नेट एसेट्स में हमारे पास 200 के सॉफ्टवेयर्स हैं, 1545 के अदर नेट एसेट्स हैं, तो 200 प्लस 1545 प्लस, इस पॉइंट में बताया था कि सब्सिडी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हुई है जो कि कैपिटलाइज नहीं की, लेकिन हम सब्सिडी के एक्विजिशन पे इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को 95 की फेयर वैल्यू पे कैपिटलाइज कर देंगे, तो 95। और मैंगो लिमिटेड की एक कस्टमर लिस्ट भी है जिसकी फेयर वैल्यू 20 मिलियन है, तो 20। तो ये सारे नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू आ गई, 200 प्लस 1545 प्लस 95 प्लस 20, ये आ गया हमारे पास 1860 के नेट एसेट्स माइनस करेंगे तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी 1950 माइनस 1860, ये आ गया 90। तो 90 की गुडविल, अब गुडविल को अगर हम प्लॉट करें तो गुडविल ओपनिंग में तो नहीं है, बिजनेस कॉम्बिनेशन में हमने 90 की गुडविल रिकॉर्ड की, कोई डिलीशन वगैरह नहीं है, तो क्लोजिंग कॉस्ट भी 90। फिर इन्होंने हमें सवाल के लास्ट में बताया था कि जो आपकी गुडविल है वो 20% से इम्पेयर हो गई है, जब गुडविल 20% से इम्पेयर हो गई तो यानी कि 90 का 20% इस 18 से गुडविल इम्पेयर हुई, तो क्लोजिंग एक्यूमुलेट इम्पेयरमेंट आ गया 18। ओपनिंग कैरिंग वैल्यू गुडविल की कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 18, ये आ गया हमारे पास 72। गुडविल की यूजफुल लाइफ नहीं है तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए कॉस्ट मॉडल, मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन और यूजफुल लाइफ हमारी इनडेफिनेट। इसके बाद हमारे पास तीसरा इंटेंजिबल है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर भी हमारे पास साल के शुरू में नहीं था, हमने जब सब्सिडी एक्वायर की तो 200 के सॉफ्टवेयर कैपिटलाइज किए थे, ये हमने गुडविल की वर्किंग में भी इस्तेमाल किया था। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर आ जाएगा बिजनेस कॉम्बिनेशन में 200, ओपनिंग कुछ भी नहीं है तो ओपनिंग कैरिंग वैल्यू भी 0। सॉफ्टवेयर के बारे में इन्होंने एक बात ये बताई, पहले तो पॉइंट नंबर 5 में बताया कि सारे इंटेंजिबल की यूजफुल लाइफ 10 साल है। सॉफ्टवेयर के बारे में पॉइंट नंबर 6 में बताया था कि हमने एक सॉफ्टवेयर 110 मिलियन का बेच दिया 31 मार्च 2018 पे, यानी कि अगर मैं सॉफ्टवेयर की वर्किंग करूं तो हमारे पास 200 के दो सॉफ्टवेयर हैं, एक सॉफ्टवेयर तो पूरा साल अमोर्टाइज होगा तो डिवाइडेड बाय 10, इस पे अमोर्टाइजेशन आएगी 10, दूसरा सॉफ्टवेयर डिवाइडेड बाय 10 और हमने 31 मार्च पे बेचा है, यानी कि जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 मंथ्स का अमोर्टाइजेशन इस पे चार्ज होगा। 9 मंथ्स का अमोर्टाइजेशन इस पे चार्ज करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9/12, ये आ गया हमारे पास 7.5। तो टोटल अमोर्टाइजेशन आ गया हमारे पास 17.5। फिर ये सॉफ्टवेयर हमने बेच दिया, जब हमने ये सॉफ्टवेयर बेचा तो इसकी कॉस्ट हमारे पास रिकॉर्डेड है 100 और इसका एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन हमारे पास रिकॉर्डेड है 7.5। अब इन नंबर्स को मैं प्लॉट कर लेता हूं, यहां देखें हमारे पास एडिशंस में 200 आ गए, डिलीशन में हमने 100 रुपए की कॉस्ट का एक सॉफ्टवेयर बेच दिया तो क्लोजिंग कॉस्ट आ गई हमारे पास 100। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन सॉफ्टवेयर का कुछ नहीं था, अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर था 17.5, 10 का अमोर्टाइजेशन उस सॉफ्टवेयर पे जो पूरे साल हमारे पास रहा, 7.5 का अमोर्टाइजेशन उस सॉफ्टवेयर पे जो हमने 31 मार्च 2018 पे बेच दिया, जब वो सॉफ्टवेयर बेच दिया तो इसका एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन भी राइट ऑफ हो जाएगा, तो क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन आ जाएगा 10। तो ओपनिंग कैरिंग वैल्यू तो 0, क्लोजिंग वैल्यू 100 माइनस 10 90। इसके लिए भी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कॉस्ट मॉडल मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन स्ट्रेट लाइन यूजफुल लाइफ 10 इयर्स। तीसरा हमारे पास है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया कि जब आपने सब्सिडी एक्वायर की तो इसके पास 95 की रिसर्च एंड डेवलपमेंट थी, तो हमारे पास एडिशंस में 95 की रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ जाएगी बिजनेस कॉम्बिनेशन के नाम पे। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन ओपनिंग कॉस्ट 0 तो ओपनिंग कैरिंग वैल्यू भी 0। फिर इन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2017 पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्राइटेरिया मीट हो गया और हमने इसके बाद ये खर्चा किया, तो मार्केट रिसर्च तो एक्सपेंस आउट कर दिया, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ प्रोडक्शन भी एक्सपेंस आउट कर दिया, प्रोडक्शन ऑफ लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ये चार चीजें हमारे पास कैपिटलाइज होंगी। इन चार चीजों का टोटल है 12 प्लस 48 प्लस 6 प्लस 4, तो ये आ गया हमारे पास 70, यानी कि हमारे पास इंटरनल डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट 70, तो क्लोजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे पास कॉस्ट आ गई 95 प्लस 70 165। फिर इन्होंने बताया था कि ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमने जिस प्रोडक्ट की वो कंप्लीट कब हुआ है। सर वो कंप्लीट हुआ है 1 मई 2018 पे, यानी कि 1 मई 2018 का मतलब है कि मई और 18 जून के महीने, सिर्फ 2 महीनों के लिए अमोर्टाइज होगा, मई और जून के लिए।
इस पे अगर हम अमोर्टाइजेशन चार्ज करें तो अमोर्टाइजेशन चार्ज होगी 165 डिवाइडेड बाय 10 इयर्स की यूजफुल लाइफ इनटू 2 ओवर 12. 165 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 12. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अमोर्टाइजेशन आ गई हमारे पास 2.75. तो क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन 2.75 और क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 165 माइनस 2.75. तो ये आ गया हमारे पास 162.5. इसके लिए भी कॉस्ट मॉडल, स्ट्रेट लाइन पे अमोर्टाइजेशन और 10 इयर्स की यूजफुल लाइफ. लास्ट है हमारे पास कस्टमर लिस्ट. सवाल में सब्सिडी की कस्टमर लिस्ट की फेयर वैल्यू 20 थी और हमारी अपनी कस्टमर लिस्ट की फेयर वैल्यू 35 थी. तो हमारी अपनी कस्टमर लिस्ट हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि इंटरनली जनरेटेड गुडविल ब्रांड कस्टमर लिस्ट को हम रिकॉर्ड नहीं करते. सब्सिडी की कस्टमर लिस्ट को रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज 20 मिलियन. हमारे पास ओपनिंग कुछ नहीं है तो ओपनिंग कैरिंग वैल्यू भी 0. एडिशंस में बिजनेस एक्विजिशन में 20 आ जाएगा, कोई डिलीशन वगैरह नहीं हुई तो क्लोजिंग कॉस्ट भी 20. और इसको हम अमोर्टाइज करेंगे. सब्सिडी को एक्वायर कब किया था? सर सब्सिडी को एक्वायर किया था साल के पहले दिन. तो यानी कि अमोर्टाइजेशन 20 डिवाइडेड बाय 10 टू की अमोर्टाइजेशन, तो क्लोजिंग एक्युमुलेटेड अमोर्टाइजेशन 2, क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू 18. अगेन कॉस्ट मॉडल, स्ट्रेट लाइन और 10 ईयर्स की यूजफुल लाइफ. तो यहां तक हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ जाता है. आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ. इसका सोल्यूशन को कॉपी करें. आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं. थैंक यू.